Hi friends, welcome back to my channel Neha's Dream Corner. तो आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही लजीज चिकन रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसको हम कस्तूरी मुर्ग मलाई के नाम से जानते हैं या फिर चिकन मेथी मलाई के नाम से भी जानते हैं। ये बहुत ही माउथ वाटरिंग रेसिपी है और इसको हम अपने घर पे बहुत आराम से बना सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं ये रेसिपी कैसे बनती है। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, देन डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। इससे आपको मेरे फर्दर वीडियोस की नोटिफिकेशन आ जाए। सबसे पहले मैंने यहाँ पे कढ़ाई ले ली है और उसमें मैंने ले लिया है 3 चम्मच ऑयल। इसको मैं अच्छे से गर्म होने दूंगी और उसके बाद मैं ऐड करूंगी खड़े मसाले। तो यहाँ पे मैंने लिया है 1 तेज़पत्ता, 2 इलायची, जिसमें मैंने एक काली इलायची ली है और एक हरी इलायची ली है, जावित्री ली है थोड़ा सा, और दालचीनी लिया है, 4 लौंग लिए हैं और ये मैंने स्टार एनीस लिया है। तो इन सभी को मैं गरम ऑयल में डाल दूंगी। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने सारे खड़े मसाले बहुत ही थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में लिया है और उसके बाद मैं ऐड करूँगी 1/2 चम्मच जीरा और इसको मैं अच्छे से सोते होने दूंगी। जैसे ही ये क्रैकल होने लगेंगे उसमें मैं प्याज ऐड कर दूंगी और प्याज को मैंने बहुत ही छोटा छोटा बारीक काट लिया है। तो ये देखिए, हमारे खड़े मसाले और जीरा अच्छे से क्रैकल हो गए हैं और यहाँ पे मैं ये प्याज ऐड कर दूंगी। ये मैंने 4 प्याज लिए हैं जिनको मैंने अच्छे से छोटा छोटा काट लिया है, अच्छे से वॉश कर लिया है और उसके बाद मैं अब ऐड कर रही हूँ और इसको मैं अच्छे से सोते होने दूँगी गोल्डन ब्राउन तक। गोल्डन कलर आ जाना चाहिए बेसिकली प्याज का और उसके बाद मैं ऐड करूँगी बाकी के इंग्रेडिएंट्स। तो यहाँ पे मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा नमक, जिससे प्याज जल्दी गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे, तो बेसिकली जो प्रोसेस है वो थोड़ा फास्ट हो जाएगा। तो इसी तरीके से इसको मैं बीच बीच में हिलाती रहूँगी ताकि प्याज जले ना और ये कढ़ाई पे ना लगे। तो इसको मैं अब ढक दूंगी। जब तक प्याज सोते होते हैं तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि चिकन को कैसे मैरिनेट करना है। चिकन को मैंने ऑलरेडी मैरिनेट कर दिया है। तो ये देखिए, ये मैंने 1.5 kg ऑफ चिकन लिया है, उसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है 3-4 बार और उस पर मैंने ऐड किया है चुटकी भर हल्दी, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, थोड़ा सा नमक और 1 नींबू का रस। इसको मैं अच्छे से मैरिनेट करके एटलीस्ट 1/2 to 1 hour मैरिनेट कर दूंगी और फ्रिज में रख दूंगी और उसके बाद मैं आगे का प्रोसेस करूंगी। देखते हैं और देखते हैं हमारे प्याज कौन से स्टेज पे पहुंचे हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि हमारे प्याज पिंक कलर के हो गए हैं और धीरे धीरे अब 5-10 मिनट्स में ये गोल्डन ब्राउन भी हो जाएंगे। तो जैसे ही आपके प्याज पिंक कलर के हो जाते हैं तो इस स्टेज में आप जिंजर गार्लिक और हरी मिर्च का पेस्ट ऐड कर दीजिए। तो यहाँ पे मैंने लिए हैं 4 कलियाँ गार्लिक की, छोटा सा टुकड़ा जिंजर का और 3 हरी मिर्चें। इन सभी को मैंने मिक्सी में ब्लेंड कर लिया है और उसके बाद मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने 1 स्पून लिया है और अच्छे से मैं सोते होने दे रही हूँ और आप देखेंगे हमारे प्याज अच्छे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। तो अब मैं ऐड करूँगी मसाले। तो यहाँ पे मैंने लिया है 2 चम्मच लाल मिर्च का, 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच जीरा पाउडर और 2 चम्मच चिकन मसाला। तो इन सभी को मैं अच्छे से ऐड कर दूंगी और साथ ही साथ मैं थोड़ा सा पानी भी ऐड करूंगी ताकि हमारे मसाले जले ना। तो ये पानी ऐड करने के बाद मैं तब तक इस मसाले को भूनूंगी जब तक हमारा ऑयल अच्छे से बाहर नज़र आने ना लग जाए और उसके बाद मैं बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड करूंगी। तो अब आप देख रहे होंगे हमारा ऑयल अच्छे से नज़र आने लग गया है। तो इस स्टेज में आके मैं अब 1/2 बॉल ऑफ कर्ड ले रही हूँ, जिसको मैंने अच्छे से फेंट लिया है और मैंने अब इसमें ऐड कर दूंगी और मैं अच्छे से इसको खुश्क होने तक भूनूंगी, इतना कि ताकि इसके कर्ड की नमी ख़त्म हो जाए और अच्छे से ऑयल फिर से नज़र आने लग जाए।
टिप नंबर टू, तो जब भी आप कर्ड ऐड करें तो सबसे पहले तो आप अपना गैस सिम पे रखिए ताकि कर्ड आपका फटे ना। को मैंने अब ढक दिया और बीच बीच में मैं इसको हिलाती रहूँगी। तो मेथी मलाई मुर्ग हो और मेथी ना डले, ऐसा कैसे हो सकता है। तो यहाँ पे मैंने कस्तूरी मेथी ली है 2 चम्मच, जिसको मैं पानी में भिगो लूँगी और इसको मैं अच्छे से भिगो के 5 मिनट तक ऐसे रख दूँगी और फिर मैं छान लूँगी और इसको मैं एंड में ऐड करूँगी। हम देखेंगे कि हमारा ऑयल बहुत अच्छे से नज़र आने लग गया है, अच्छे से ऊज आउट हो गया है हमारी ग्रेवी से। तो इस स्टेज में आकर मैं ये चिकन, मैरिनेटेड चिकन ऐड कर दूंगी और इसको मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी। तो आप देख रहे होंगे कि मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। आप हल्के हाथों से इसको मिक्स कीजिए ताकि इसके पीस कुछ टूटे ना। तो इसको मैंने अब ढक दिया था करीबन 15-20 मिनट तक और अब हम देखेंगे कि कैसा हो गया है चिकन। और आप देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छा कलर आ गया है, काफ़ी ऑयल भी ऊपर ऊपर तैर रहा है, अब ये ग्रेवी भी अच्छे से पक चुकी है। तो इस स्टेज में आकर मैं कैशू नट का पेस्ट ऐड करूँगी, काजू का पेस्ट, जहाँ पे मैंने ले लिया है 4-5 काजू और इसको मैंने गर्म पानी में भिगो लिया था एक 5-10 मिनट तक और उसको मैंने अब मिक्सी में ब्लेंड करके पीस लिया। तो अब इसको मैंने ऐड कर दिया है। अब ये ऐड करने के बाद आप हो सके तो आप इसको हल्के हाथों से मिक्स कीजिए ताकि आपके पीसेस बिल्कुल ना टूटे, क्योंकि इस स्टेज में आपके पीसेस काफ़ी टेंडर होंगे। तो इसको अब हम लोग ढक देंगे करीबन 10 मिनट तक और उसके बाद मैं ऐड करूँगी मेथी जो हमने अच्छे से भिगो दी थी और उसके बाद मैंने छान ली है। तो इस मेथी को मैं अब ऐड करूँगी। तो अगर आपके पास फ्रेश मेथी है तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। फ्रेश मेथी में आपको क्या करना है कि आप थोड़ा सा नमक छिड़क दीजिए उसको, उसके बाद उसको निचोड़ लीजिए। उसका पानी जब निकल जाएगा, बेसिकली उसका कड़वापन निकल जाएगा, तो उसको, उस मेथी को आपको बटर में सोते करना है और वो सोते मेथी आप इसको ऐड कर सकते हैं इस स्टेज में। अब मैं मेथी को अच्छे से मिक्स करके थोड़ी देर और एक 5-10 मिनट्स के लिए फिर से ढक दूंगी। तो ये देखिए हमारे चिकन का कितना बेहतरीन सा कलर आ गया है। तो इस स्टेज में आके आप चेक कर सकते हैं कि अगर आपका नमक कम है तो आप नमक ऐड कर सकते हैं। तो अब हमारी बारी आती है लास्ट इंग्रेडिएंट को डालने की, जो है क्रीम या फिर मलाई। अगर आपके पास क्रीम है तो क्रीम ऐड करिए या फिर मलाई ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है 2 चम्मच क्रीम के, इसको मैं मिक्स करूँगी और बस एक 5 मिनट्स तक इसको ढक के रख दूंगी और उसके बाद वी आर रेडी टू गो। आ हा 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 हा, तो ये देखिए मेरे स्टाइल की कस्तूरी मेथी चिकन बनके रेडी हो गई है। आप चाहे कस्तूरी मेथी मुर्ग बुलाएं या फिर किसी और नाम से बुलाएं, मगर है तो ये चिकन रेसिपी। तो आप भी इसको अपने घर में ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी, और ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। ये यकीन मानिए ये बहुत ही डिलीशियस रेसिपी है और इसे ट्राई करना तो बनता ही है। तो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है देन डू कमेंट, शेयर एंड लाइक माई वीडियोस। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं देन डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।